नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट, आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। शुरुआत कर रहे हैं प्रदेश से जुड़ी खबरों के साथ। जी राजस्थान न्यूज की मुहिम मौत का मांझा का बड़ा असर हुआ है। राज्य सरकार ने आदेश जारी करते हुए सुबह और शाम दो दो घंटों तक पतंगबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस को भी कार्रवाई के दिए निर्देश। सुबह 6 से 8 और शाम को 5 से 7 बजे तक पतंग पर रोक लगा दी गई है। साथ ही पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिए गए। नगर निगमों, परिषदों और पालिकाओं को भी दिए गए निर्देश। बीकानेर की जेल एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। सेंट्रल जेल में कैदी की मौत हो गई है। जेल के बाथरूम में कैदी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। 10 साल की सजा काट रहा था कैदी लीलू उर्फ ललित, हरियाणा के सिरसा का रहने वाला है ललित। मामले में कोर्ट ने जांच के दिया आदेश। अलवर के राजगढ़ में खुदाई के दौरान प्राचीन काल के सिक्के निकलने से अफरा-तफरी मच गई। दरअसल मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत जीरावली गांव में खुदाई चल रही थी और इसी दौरान प्राचीन काल के सिक्के निकले, जिसे एक अशरफी नाम की युवती लेकर भाग गई। युवती जब सिक्के लेकर भाग रही थी तो ठेकेदार के आदमियों ने युवती से सिक्के छीनने की कोशिश की और इस खींचतान में गिनने नुमा सिक्कों से भरा घड़ा टूट गया। ठेकेदार के आदमियों ने युवती से कुछ सिक्के छीन लिए, बाकी सिक्कों को युवती लेकर फरार हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 3 तांबे के गिनने नुमा सिक्के जब्त कर युवती के पिता को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने पुरातत्व विभाग को भी सूचना दे दी और युवती की तलाश शुरू कर दी गई है। सिक्के निकलने के बाद दिनभर क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी। अलवर में एक और जगह खुदाई के दौरान प्राचीन काल के सिक्के बरामद हुए। वहीं मालाखेड़ा बाजार में खपटापड़ी मोहल्ले में मकान की खुदाई के दौरान छोटे आकार की तोप बरामद की गई। पुलिस का कहना है करीब 2 फीट लंबी ये तोप अष्ट धातु से बनी हुई है। ये मकान हरीश मनचंदा का है, वे यहां कई पीढ़ियों से रह रहे हैं। मनचंदा ने बताया कि मंगलवार की सुबह जब खुदाई चल रही थी तो अचानक ये तोप बरामद हुई। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने तोप को कब्जे में ले लिया। देश के लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं मुहैया करवाने के मकसद से सरकार बाहर के लोगों पर पाबंदी लगाने जा रही है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ कहते हैं कि राजस्थान में सस्ता इलाज और मुफ्त दवा योजना होने के कारण दूसरे राज्यों से भी कई लोग इलाज के लिए यहां पर आते हैं। राठौड़ का तर्क है कि ऐसे लोग अपने राज्यों की योजनाओं का फायदा भी लेते हैं, लिहाजा दोहरा लाभ लेने से रोकने की कवायद की जा रही है। अजमेर नगर निगम के संचालित कांजी हाउस गौशाला की व्यवस्थाओं का जायजा लेने मेयर पहुंचे। इसकी व्यवस्था सुचारू करने के लिए कमेटी का गठन किया गया। इंचार्ज प्रदीप गुप्ता को बनाया गया। यहां गायों के लिए स्थायी डॉक्टर के इंतजाम की कोशिश है। आने वाले लावारिस गायों पर टैग लगाने की व्यवस्था भी जल्द ही शुरू की जाएगी। इस दौरान सीईओ और प्रदीप गुप्ता भी मौजूद रहे। करौली में शिक्षा विभाग की लापरवाही से कोचिंग चलाने वालों की मौज है। बिना रजिस्ट्रेशन और मानक न होने के बाद भी धड़ल्ले से कोचिंग चल रही है। छात्रों से मनमानी फीस वसूली जा रही है। वहीं सरकार से टैक्स बचाकर रेवेन्यू का भी चूना लगाया जा रहा है। लोगों की माने तो कोचिंग चलाने वालों में सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। पहले अतिवृष्टि की मार, फिर बारिश नहीं हुई और अब तापमान अधिक रहने से कोटा के किसानों की फसलों पर संकट मंडरा रहा है। तापमान अधिक रहने से इस बार बोई गई आलू की फसल कई तरह की बीमारियों से रोगग्रस्त होने लगी। झुलसा रोग ने आलू की फसल को जकड़ लिया, जिस कारण किसानों की हजारों बीघा फसल तबाह होने की कगार पर है। इसको लेकर किसानों ने कृषि अधिकारियों से मुलाकात की और इसका सर्वे करवाने और अनुदान पर कीटनाशक उपलब्ध करवाने की मांग की। पाली में प्रशासन की लापरवाही से किसानों की अरमानों पर पानी फिर गया। नेहड़ा बांध में प्रदूषित पानी आने से किसानों की फसलें खराब हो गई। किसानों की बर्बादी का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि प्रशासन है, जिसने बांडी नदी में प्रदूषित पानी भरने के बाद में उसे रोकने के लिए बनी मेड़ को तोड़ दिया, जिससे फैक्ट्रियों से निकला गंदा पानी नेहड़ा बांध से होता हुआ खेतों में घुस गया। इधर किसानों का कहना है कि बांध कमेटी ने बिना पूर्व सूचना दिए बांध के गेट खोल दिए, जिससे उन्हें यह नुकसान पहुंचा है। अब प्रशासन मामले की जांच की बात कह रहा है। कोटा के सिविल लाइन्स इलाके में सटा खंड
गाउडी इलाका कई सालों से बदहाल है। इलाके की मुख्य सड़क दुर्दशा का शिकार है। जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासन को गुहार लगाई गई लेकिन कुछ होता दिखाई नहीं दिया। सूरतगढ़ में पिछले दो दशक से सैकड़ों परिवार मौत के साए में जीवन बिता रहे। इन परिवारों के घरों के ऊपर से गुजरने वाली बिजली की हाई टेंशन लाइन से हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। वार्डों में 11,000 केवी तो कहीं कहीं 33,000 केवी तक की हाई टेंशन लाइंस घरों के ऊपर से गुजर रही है। इंसानी लापरवाही का यह ऐसा नमूना है जिसने सबको मौत के करीब खड़ा कर दिया है। जोधपुर में ज्वेलरी की दुकान में चोरी का मामला सामने आया है। ज्वेलरी की दुकान में चोरी करते हुए एक कपल सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे में आए हुलिया के आधार पर दोनों चोरों का पता लगा रही है। दरअसल जोधपुर के घोड़ा का चौक क्षेत्र में ज्वेलरी की दुकान से एक महिला और पुरुष ने करीब 1,25,000 रुपए की लागत की 30 ग्राम की सोने की दो चेन और 12 ग्राम कान के झुमके चुरा लिए। चोर इतने शातिर थे कि उन्होंने जाते समय ज्वेलर के बेटे को 100 रुपए दिए और बोले पापा आए तो बोलना राठौड़ अंकल आए थे। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी थाना क्षेत्र के 4 केएसपी गांव में दंपत्ति की हत्या का खुलासा पुलिस अभी तक नहीं कर पाई है। मृतक के भतीजे विनोद पूनिया पर परिजनों ने संदेह जताया लेकिन पुलिस ने विनोद को संदिग्ध नहीं माना और बाद में शक की सुई जब विनोद पर आई तो फरार हो गया। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया जिस कारण हत्यारे पुलिस की पकड़ से बाहर है। नवलगढ़ में केरू गांव में बने पीएचसी को लेकर विवाद गरमा गया है। नए भवन पर प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर दिए। दरअसल गांव के गुनग्राम ने चिकित्सा विभाग को अपनी जमीन पीएचसी के लिए दान की थी। उसे भरोसा दिया गया था कि बिल्डिंग का नाम और कैंपस में मूर्ति उसके परिवार के मुखिया की होगी। वो चाहते हैं कि इसका उद्घाटन विधायक राजकुमार शर्मा से करवाएं जबकि गांव के सरपंच और बाकी लोग चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ से। इसी को लेकर शिकायत प्रशासन तक पहुंची तो उसने नोटिस चस्पा कर दिया। समस्या यह है कि 7 तारीख के कार्यक्रम के लिए कार्ड बढ़ चुके हैं। हनुमानगढ़ में वायरलेस ड्यूटी पर तैनात पुलिस का एक एएसआई 6 दिन से रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया जिसका कोई सुराग नहीं लग पा रहा। जंक्शन पुलिस के मुताबिक एएसआई सहदेव कुमार 30 दिसंबर को एक दिन की छुट्टी लेकर अपने घर नोहर के लिए निकला था मगर वो न तो नोहर पहुंचा और न ही वापस ड्यूटी पर आया। पत्नी के मुताबिक 30 तारीख को आखिरी बार उन्होंने तबीयत खराब होने की बात कही थी। पुलिस के मुताबिक आखिरी लोकेशन लखवाली के पास मिली है। सुसाइड की आशंका के चलते नेहरू में भी तलाश की जा रही है। पुलिस की माने तो बड़े बेटे की मौत के बाद एएसआई डिप्रेशन में था। जोधपुर जिले के ओसिया से फलौदी के बीच बने टोल नाके पर ग्रामीणों और पत्रकारों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। टोल नाके कर्मचारियों के द्वारा ग्रामीणों के साथ में मारपीट की घटना के बाद ओसिया विधायक भैराराम सियोल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में टोल नाके के 6 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया वहीं 15 लोगों को हिरासत में लिया गया। झालावाड़ में दो गुटों में हुआ मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। वहीं एक पक्ष ने मारपीट करने वाले युवकों की गिरफ्तारी की मांग की है। बताया जा रहा है कि रमजानपुरा मोहल्ले से गुजर रहे एक युवक की कुछ लोगों ने मिलकर पिटाई कर दी जिसके बाद में युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना के बाद में दोनों पक्षों के लोग बस स्टैंड पर इकट्ठे हो गए और तनाव बढ़ गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को तितर बितर किया। इस दौरान बस स्टैंड परिसर की दुकानों को भी बंद करवा दिया। अजमेर दरगाह थाने ने फर्जी शादी कराकर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह में 13 लोग शामिल हैं, 4 दलाल समेत 9 महिलाएं। इनके पास फर्जी आईडी नकदी और गहने बरामद किए गए। गिरोह ने राजस्थान के कई शहरों में ठगी की।
इन लोगों ने अजमेर में दरगाह थाना और गांव नरवर के लोगों से ठगी की थी, जिसके बाद शिकायत मिली और उसके बाद कार्रवाई की गई। प्रतापगढ़ पुलिस ने 4.5 किलो अफीम के साथ तस्करों को गिरफ्तार किया है। अफीम की कुल कीमत करीब 2 लाख रुपए आंकी जा रही है। आरोपी ने बताया कि वो अफीम रतलाम से लाया था और जोधपुर के एक शख्स को बेचने जा रहा था। जयपुर के महेश नगर थाना पुलिस ने फर्जी पट्टे बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को आरोपियों के पास से फर्जी खाली पट्टे और सहकारिता विभाग की मोहरें जब्त पुलिस ने की है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। टोंक में भीलवाड़ा से लगती सीमा पर एक अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। लोगों की सूचना के बाद में हनुमान नगर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया। मृतक युवक के सिर पर पत्थरों के वार के गहरे निशान है। पुलिस ने हत्या की आशंका के साथ मामले की जांच शुरू कर दी। अलवर के खेडली के सालवाड़ी गांव में शमशान के रास्ते पर दबंगों ने कई सालों से कब्जा कर रखा है। इसका नतीजा यह है कि दलित जाति के लोगों को दाह संस्कार वो नहीं कर पाते। पूर्व पार्षद पर सफाई कर्मी की पिटाई का आरोप लगाते हुए धौलपुर नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने नगर परिषद में जमकर नारेबाजी की। नगर परिषद आयुक्त के कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए सफाई कर्मचारियों ने पूर्व पार्षद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भीलवाड़ा में उस वक्त सनसनी फैल गई जब ऊंचा तालाब के पास में एक युवक का संदिग्ध हालत में शव मिला। बताया जा रहा है कि युवक का गला रीत कर हत्या की। मृतक बबलू मीणा देवली का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस और एफएसएल की टीम मिलकर मामले की जांच में जुटी हुई। उदयपुर में सोमवार को ही सफाईकर्मी की मौत के मामले में शहर के सभी सफाईकर्मी हड़ताल पर उतर आए हैं। हड़ताल पर उतरे सफाईकर्मियों ने विरोध का जो रास्ता चुना है वो शहरवासियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। दरअसल सफाईकर्मियों ने अल सुबह ही शहर के सभी चौराहों और प्रमुख बाजारों में कचरे के कंटेनर को बीच सड़क पर खाली कर दिया। पूरे शहर में कचरे का ढेर देखकर शहरवासी खासे परेशान नजर आए। राजस्थान न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। अब एसएमएस अस्पताल को 10 और वेंटिलेटर मिलेंगे। चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने स्वास्थ्य भवन में आयोजित बैठक में यह फैसला किया। चिकित्सा मंत्री ने एसएमएस में वेंटिलेटर की कमी और गंभीर मरीजों की जिंदगी बचाने को ध्यान में रखते हुए फौरन 10 अतिरिक्त वेंटिलेटर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। इसमें निजी दानदाताओं का भी सहयोग होगा और मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के जरिए भी वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे। फ्लैट धारकों को पानी के कनेक्शन के लिए सामान्य घरों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा शुल्क देना होगा। जलदाय विभाग के बिल्ट एरिया के हिसाब से 50 रुपए प्रति वर्ग फीट की दर से शुल्क वसूली की योजना तैयार की गई। यह संकेत जलदाय मंत्री किरण माहेश्वरी ने सोमवार को दिए। योजना के तहत 1000 वर्ग फीट वाले फ्लैट धारक को बीसलपुर लाइन से कनेक्शन लेने पर करीब 50,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे। अमूमन सामान्य घरों में कनेक्शन के लिए करीब 5,000 रुपए शुल्क लगता है। सवाईमाधोपुर जिला कलेक्टर आनंदी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा टीम ने गणेश दूध डेयरी पर छापा मारा और घी के 4 सैंपल लिए। त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ ही भीलवाड़ा के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने जिले के कई दुकानों पर कुल 75 सैंपल लिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जगदीश जिनकर ने बताया कि इन सभी सैंपल की रिपोर्ट आ चुकी है, जिनमें से 28 के सैंपल फेल हुए हैं, जिनमें से 8 के खिलाफ कोर्ट में केस की कार्रवाई की जा रही है, बाकी के खिलाफ रिपोर्ट प्रस्तुत कर कार्रवाई की जाएगी। पुष्कर तहसील कार्यालय में पिछले करीब 5 महीने से इंटरनेट सेवा नहीं होने से एक ओर जहां खुद तहसीलदार और विभाग के कर्मचारियों को काम में परेशानी झेलनी पड़ रही है, वहीं आसपास की 8 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण भी समस्या के शिकार हो रहे हैं। आलम यह कि तहसील प्रशासन को किराए के इंटरनेट सेवा से अपने काम निपटाने पड़ रहे हैं। तहसीलदार
गजराज सिंह सोलंकी ने बताया कि नए तहसील भवन को शुरू हुए करीब 5 महीने का समय बीत चुका है और वो लगातार बीएसएनएल से इंटरनेट कनेक्शन को शिफ्ट करने के लिए विभाग के अधिकारियों को लिखित में अवगत करवा चुके हैं। प्रोफेशनल ब्लड डोनर पर लगाम लगाने के मकसद से शुरू की गई योजना फिसड्डी साबित होती नजर आ रही है। कंप्यूटर सेट बेचने के बाद महज सॉफ्टवेयर डेवलप न होने से योजना फ्लॉप हो गई। बूंदी के रामनगर गांव में राष्ट्रपति, राज्यपाल, कलेक्टर, एसपी, आईजी से लेकर तमाम बड़े राजनेता रहते हैं। दरअसल यहां के लोगों ने अपना नाम कुछ ऐसा ही रख रखा है। नाम सिर्फ बोलचाल तक सीमित नहीं है, इसलिए यहां के लोगों ने बाकायदा मतदाता सूची, आईडी कार्ड, आधार कार्ड और बैंक खाते में नाम चढ़ाकर इसे पहचान बना ली। डूंगरपुर में राष्ट्रीय सेविका समिति की ओर से पथ संचलन किया गया। विद्या निकेतन विद्यालय से शुरू हुआ पथ संचलन शहर के विभिन्न मार्गों से होकर वापस विद्यालय में पहुंचा। प्रतापगढ़ बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। एसोसिएशन के नव निर्वाचित पदाधिकारियों ने शपथ ली और अपने कर्तव्यों पर ईमानदारी पूर्वक काम करने का निर्णय लिया। मौके पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दिखपाल सिंह राणावत और सचिव रमेश शर्मा ने सभी का आभार जताया। सवाईमाधोपुर में छठे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया। जिला निर्वाचन विभाग की ओर से प्रदर्शनी लगाई गई। फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन अतिरिक्त जिला कलेक्टर बलदीप सिंह हाडा ने किया।